अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट साहिर बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच टेक न्यूज़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो X50 प्रो के बारे में, जो कि 1 जून 2020 को चाइना में और बाद में वर्ल्ड वाइड लॉन्च होगा। पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। ये एक 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी बैक और फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसकी स्क्रीन के अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। इसकी फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर दिया गया है, जिससे आपको अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करने में मदद मिलेगी, जो कि बाकी वीवो के आपको पता है कि सेट बहुत अच्छे होते हैं, खास करके सेल्फी के मामले में। तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये भी सेल्फी के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। चलें अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास होने वाली है। इसकी बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि गिम्बल डिज़ाइन में आता है। फर्स्ट रेयर कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड जो है वो 13 मेगापिक्सल का पेरीस्कोप कैमरा है, और जो थर्ड है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, और जो इसका फोर्थ कैमरा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक पेरिस्कोप कैमरा है और वो 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। और आज तक के जितने भी मोबाइल आए हैं उनमें 32 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा किसी मोबाइल में नहीं आया। तो ये एक मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा हो और उससे कैसी पिक्चर्स कैप्चर होंगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इसका कैमरा सेटअप। वीवो हमेशा से ही कैमरे पे फोकस करता है, जैसा कि पिछले मॉडल्स थे उसके कैमरे में आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छा होता है वीवो का सेट। तो वीवो हमेशा से ही कैमरे पे फोकस करता है और कैमरे में वीवो जैसा कोई मोबाइल नहीं। वैसे भी आजकल बहुत ही मार्केट में टफ़ टाइम चल रहा है, तो वीवो उम्मीद है कि इस मोबाइल से कैमरे के हवाले से और बाकी परफॉर्मेंस के हवाले से बाकी सबको टफ टाइम देने वाला है। वीवो 1 जून को अपने दो मॉडल लॉन्च करने वाला है, एक है वीवो X50 और दूसरा है वीवो X50 प्रो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वीवो X50 प्रो के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो स्पेक्स मैंने आपको बताई हैं ये वीवो X50 प्रो की स्पेक्स हैं। जहाँ तक बात है वीवो X50 प्रो की वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो ये 4K की वीडियो को रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और बहुत ही अच्छी वीडियोस को कैप्चर कर लेता है। क्योंकि इसका कैमरा बड़ा है तो वीडियोस भी इसकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। अब कुछ बात करते हैं वीवो X50 प्रो के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे 765G का प्रोसेसर दिया गया, जो कि बेसिकली एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, जहाँ पे गेमिंग्स आपको अच्छी मिलने वाली हैं और ये सेट 5G को सपोर्ट करता है। बेसिकली वीवो कैमरा के लिए ही फ़ोन बनाता है। और बात करें इसके कैमराज की, जो हम पहले कर चुके हैं, तो ये एक कैमरा फ़ोन होने वाला है। और इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप होगा, जिससे आप इजीली 1.5 दिन तक निकाल सकते हैं। और आखिर में हम बात करते हैं तो इसकी प्राइस की, जो पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है, तो प्राइस इसकी तकरीबन 70 से 80 हज़ार के दरमियान होने वाली है। अगर ये 70 हज़ार की रेंज में आता है तो बाकी अपने कंपटीटर्स को काफ़ी टफ टाइम देने वाला है, क्योंकि आजकल लोग कैमरा फ़ोन को पसंद करते हैं, तो ये कैमरा फ़ोन है तो उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को बड़ा पसंद आएगा। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।